झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने, अडानी के साथ प्रधानमंत्री के साथ संबंध, महंगाई, बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड भेजकर 5 सवालों के जवाब मांगे, जिसमें अडानी से आपके क्या रिश्ते हैं, अडानी ने अब तक भाजपा को कितने करोड़ का चंदा दिया, आप अडानी मामले में जेपीसी का गठन क्यों नहीं कर रहे, देश की महंगाई कब कम होगी, आपके विदेशी दौरे के बाद अडानी को कितने ठेके मिले, सवाल शामिल हैं। प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार संसद में मनमानी कर रही है, जिससे दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र खतरे में है। तानाशाही ढंग से विरोध की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को ये फॉर्मूला देश के लोगों को ये बताना चाहिए कि उनके मित्र अडानी दुनिया में 609 स्थान से पहले नंबर के धनी व्यक्ति बन गए। देखिए, जिस प्रकार देश की 140 करोड़ जनता इस लोकतंत्र में देश की चुनी गई सरकारों से प्रश्न करना चाहती है, और दुख है कि प्रधानमंत्री जी देश की 140 करोड़ जनता का प्रश्नों का जवाब न तो सदन में दे रहे हैं और न ही मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं। तो देश की जनता के मन में ये प्रश्न है कि आखिर महंगाई कब कम होगा। जो देश के सबसे बड़े पूंजीपतियों के साथ प्रधानमंत्री का संबंध, अडानी जी के साथ क्या संबंध है, देश की 140 करोड़ जनता यह जानना चाहती है कि जब जब आपका विदेश दौरा हुआ है उसके बाद अडानी जी को कहां कहां कितने ठेके मिले हैं। तो ये जो यक्ष प्रश्न देश की जनता का है, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी अगर सदन में नहीं देना चाहते, आप मीडिया के माध्यम से नहीं देना चाहते, तो कम से कम हम लोगों ने पोस्टकार्ड के माध्यम से यह प्रश्न किया है, और हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी पोस्टकार्ड के माध्यम से भी देश की जनता को कम से कम इन प्रश्नों का जवाब दे दें, ताकि देश की जनता संतुष्ट हो जाए। तो क्या ये तो आज देखिए, ये पूरे राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में से लोगों ने प्रधानमंत्री जी को पोस्टकार्ड भेज के इन प्रश्नों का जवाब मांग रही है, और झारखंड राज्य से भी कम से कम अभी तक लाखों पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री जी से इन प्रश्नों का जवाब के लिए चला गया है, और आज जा भी रहा है, और राज्य की 3.5 करोड़ जनता भी इस प्रश्नों का जवाब चाहती है। तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी पोस्टकार्ड के माध्यम से ये जवाब दे दे तो उचित रहेगा। वरिष्ठ नेता रमा खलको ने कहा है कि ये सवाल देश की जनता के हैं। पोस्ट कार्ड के माध्यम से जिन सवालों को कांग्रेस ने उठाया है वो राहुल गांधी के नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ की आबादी के प्रश्न हैं। ये लोकतंत्र हमारा देश है और लोकतंत्र में हम रहते हैं। आज हम सभी कांग्रेस कार्यकर्तागण पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री से 5 सवाल हम लोग कर रहे हैं। विगत दिनों आप लोग देखे होंगे कि संसद में जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी ने सवाल किया था और उसका जवाब नहीं मिला, और जिस प्रकार से सवाल पूछने पर जो कार्रवाई की गई और उसे पूरे हमारे कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं समय समय पे अभी जो विरोध में जो प्रोग्राम चल रहा है, मशाल जुलूस हो या पदयात्रा हो या सत्याग्रह कार्यक्रम हो, आज पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपका अडानी से रिश्ता क्या है, अडानी जी को आपने कितना करोड़ ऋण दिया, और अडानी जी को अपने बचाने के लिए आप क्यों जेपीसी का गठन आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जेपीसी का गठन इसके माध्यम से आप जो सवाल हम लोग करना चाहते हैं उससे जो लोकतंत्र की में जो सारी जनता है वो जानना चाह रही है। बेरोजगारी का मामला है, महंगाई का मामला है, ये तमाम चीज़ों को वो सांसद में भी वो जवाब नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से उनको भेज रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आप जवाब दें इन 5 सवालों का, और मुझे हक है ये सवाल जानने का। वहीं कांग्रेस के पोस्ट कार्ड अभियान पर झामुमो ने कहा कि कांग्रेस पीएम से सवाल पूछकर लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, इसका बहुत फायदा कांग्रेस को नहीं मिलने वाला। रांची से आशुतोष सिन्हा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।